इजाफी वीडियो है और हमारा बुनियादी मकसद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा ट्रीट करना है ताकि आप किसी की तरफ देख ना सकें। तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि मज़ीद आपको इसके फीचर्स जो हैं आपको बताए जा सकें। तो असल में हम इसी की बात ऑलरेडी कर रहे थे। तो ये हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर बॉर्डर में आती है डैशेस, डैशेस ये सारी डैशेस पड़ी हैं हमारे पास। इस डैशेस का कोई और ही कमाल है माशाल्लाह। तो ये मोर डैशेस हमारे पास आ जाती हैं। जब मोर डैशेस को हम देखते हैं तो पहले तो हमने इस पे मुकम्मल आपको बताया था कि क्या होता है और क्या नहीं होता, किस तरह से हम अपनी डैशेस को लगा सकते हैं। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, ये इफेक्ट्स हैं हमारे पास। इफेक्ट्स किस बात के हैं कि पिक्चर को फॉर्मेट करना और उसके बाद उसकी जो डैशेस हैं उसको भी हम किस तरह से फॉर्मेट करके लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये है एक सॉलिड, सॉलिड लाइन हम कैसे लगा सकते हैं और उसका जो लाइन का विड्थ होता है उसको कैसे ज़्यादा कर सकते हैं और डैशेस कैसे लगा सकते हैं, ये सारी क्लास जो है इसी बात पे है। ये हमने कैसे निकाला ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया है मैंने, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपकी आपके लिए मैं ये सारा बता रहा हूँ। अब देखें, कुछ छोटा कर लें बड़ा कर लें कोई मसला नहीं है। तो इस पे हम आते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है और कैसे हम, ये है शेडो टाइप, ये है शेडो टाइप। अगर हमने शेडो ट्रांसपेरेंसी भी आना है तो पहले तो हम इसकी जो है आपको बताते हैं कि इसका परी सेट क्या हमारे पास है। ये भी परी सेट है, ये भी परी सेट है, जितने भी परी सेट पहले से किसी को भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये परी सेट ले लेते हैं, ये लाइन का परी सेट है, किसी और चीज़ का नहीं है। लाइन जो आउटलाइन हम लगाते हैं उसका परी सेट है। और उसके बाद जनाब है ये है कलर हमारे पास, कलर आउटलाइन का कलर है। ये देखें ये कलर हम लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी छोटा ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसका साइज भी हम छोटा या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ये साइज किसका है, ये उसी लाइन का साइज है। ये हमारे पास लाइन है, यहाँ से इसका कलर अगर हम चेंज कर रहे हैं मिसाल के तौर पर ये कर देते हैं तो इसका साइज जो है वो हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये गौर से देखना, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा बुनियादी मकसद आपको ट्रेन करना है। ये अब हमने ना इसकी लाइन जो है वो छोटी बड़ी ज़्यादा नहीं करनी, यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम कोई और कलर भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। अब साइज भी हमारे पास आ गया, ये ट्रांसपेरेंसी भी आ गई। और इसके बाद है ये एंगल, किस एंगल से हम इसको जो है रोटेट कर सकते हैं, किस एंगल से, डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, तीन का चार का जितना भी होना चाहिए ये हम यहाँ कर सकते हैं। ये ग्लो है, ग्लो की सूरत में आप जानते हैं ग्लो किसे कहते हैं, ये इसका साइज भी है हमारे पास। ये देखें ये ग्लो का साइज है, ग्लो की सूरत में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाता है। और इसको हम बंद ख़त्म कर दें तो ये है, ये बढ़ाते जाएं तो ये ग्लो है, ठीक है। इसके बाद है इस ग्लो की भी ट्रांसपेरेंसी है, ये देखें ये ग्लो की ट्रांसपेरेंसी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ें सीखने से आती हैं, ऐसे नहीं आती, ये आपको मेरे ख्याल में इसकी समझ आ गई होगी। ये डैशेस के ऊपर हम लगा रहे हैं, डैशेस जो है हमने जैसे पहले बताया कि डैशेस इन आउटलाइन कलर, कैसे आउटलाइन कलर में डैशेस को लगा सकते हैं। तो ये हम इसका भी छोटा करते हैं या थोड़ा सा लगा देते हैं या नहीं लगाते। तो ये ट्रांसपेरेंसी के मतलब भी हम बात कर चुके हैं। अब है इसका सॉफ्ट एज, एज का मतलब होता है
किनारा, ये क्या है सॉफ्ट एज, ये इसका साइज है, ये देखें ये सॉफ्ट साइज है, ये सॉफ्ट साइज हमारे पास है, ये देखें किस तरह से बन रहा है हमारी पिक्चर। ये है 3D फॉर्मेट, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा इसमें काम कर सकते हैं, आप इतना काम कर सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये साइज जो है हम इस साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, और इस सॉफ्ट एज, आज हमने ना सॉफ्ट एज को इस्तेमाल किया है। ये सॉफ्ट एज क्या होता है ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 3D फॉर्मेट भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ये 3D फॉर्मेट भी हम यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पे इसको इस्तेमाल करेंगे। अब है 3D रोटेशन, ठीक है, ये 3D रोटेशन क्या होती है ये भी आप गौर से देख लें। ये रोटेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको जब ऑन करते हैं तो ये रोटेशन जो है ये ऑन हो जाती है, ये वेरिएशन भी ऑन हो जाती है, हो सकती है अगर हम चाहें तो, और ये सारी चीज़ें ऑन हो सकती हैं। ये रोटेशन हम जैसे चाहें, मिसाल के तौर पर इधर हमने रोटेट किया, ये देखें ये देखें ये रोटेट हो रही है। ये हमारा बुनियादी क्लास का जो मकसद था वो था कि हमने अब इसको रीसेट करना है, हमने ये अब रीसेट हो गया, तो आर्टिस्टिक इफेक्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं, काफ़ी चीज़ें। तो ये हमारे पास एक छोटी सी क्लास थी जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको डैशेज कैसे इस्तेमाल किए जाएं MS वर्ल्ड में, और कैसे इसको किया जाए, काम इसके साथ कैसे किया जाए। तो उम्मीद है आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।